आप देख रहे हैं राहत न्यूज। भिवाड़ी के फूलबाग थाना क्षेत्र स्थित शहर के बाईपास के समीप भगत सिंह कॉलोनी में जोधपुर स्वीट कॉर्नर पर दो अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने घटना के 24 घंटा के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में यह भी सामने आया था कि आरोपियों द्वारा 10 लाख रंगदारी दिए जाने की भी डिमांड एक पर्ची के माध्यम से की गई थी, जो कि फायरिंग के समय आते वक्त दो लोग अंदर घुसे एक बाहर रह गया, जिसने एक कर्मचारी को वह पर्ची थमा दी, जिसमें लिखा हुआ था कि 10 लाख पहुंचा देना, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। नरेंद्र गुजर उर्फ नब्बा, पता भोंडसी जिले। पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने घटना पर खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी को नितिन रवि अनिल उर्फ कट्टन को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का आपराधिक भी आपराधिक है, जो कि हत्या व लूट जैसी घटनाओं से संलिप्त है। घटना का मुख्य आरोपी सचिन अभी गिरफ्त में आना बाकी है। अभी पर्ची पर लिखे हुए नाम नरेंद्र उर्फ नब्बा को लेकर जांच भी अभी जारी है। मामले पर अभी जांच जारी है। शहर में स्थित जोधपुर मिस्टर मंडार पे 3 अज्ञात व्यक्ति आए थे और उन्होंने फायरिंग की वारदात कारित करके फिरौती की मांग की थी एक पर्ची डालकर, जिसको कि काफ़ी गंभीर वारदात थी। इस तरह से एक शहर के अंदर शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश थी, दहशत का वातावरण बनाने का एक कुत्सित प्रयास था, जिसको पुलिस ने भिवाड़ी पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। जो जो साक्ष्य और क्लू घटनास्थल से उपलब्ध हो सकते थे वो सभी एकत्रित किए गए। सभी साक्ष्यों और क्लूज की स्क्रूटनी की गई, इस काम को अंजाम दिया। एडिशनल SP भिवाड़ी श्री अरुण मच्छा जी के सुपरविजन में, अग्राम कुमाऊत के नेतृत्व में जितेंद्र थानाधिकारी भिवाड़ी और उनकी टीम ने रात्रि होते होते करीब 12:30 बजे तक इसमें कामयाबी प्राप्त कर ली और घटना में शरीर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशादेही से हथियार भी बरामद कर लिया है, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है और उनसे अनुसंधान किया जा रहा है। ये जो अपराधी हैं, इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इनके द्वारा पूर्व में ऐसी कोई वारदातें की हुई है जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो या प्रकाश में नहीं आई हो अपने और हरियाणा में, उनके संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है। और अभियुक्तों चूँकि वो हुए तो बापरदा इनको गिरफ्तार किया गया है। अभी आपके सामने इनकी फोटोज भी करवाए जाएंगे। आपको प्रेस नोट इस घटना के संबंध में जो भिवाड़ी पुलिस के मीडिया प्रकोष्ठ ने जारी किया है वो उपलब्ध करवा दिया गया है। तो ज़्यादा विस्तार से बताने के बजाय यदि आपकी कोई प्रश्न हो, क्योरीज हो, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वो भोंडसी जेल गुड़गांव जिले में भोंडसी जेल में एक अभियुक्त है और अभी ये जांच का और अनुसंधान का विषय है कि उनका क्या संबंध हो सकता है। इस तरह से पर्ची पे नाम लिखना कई बार जो है कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के उद्देश्य से भी हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे, इस पर अनुसंधान कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति का, जिस अपराधी का नाम लिखा गया है उसका इस वारदात में क्या रोल रहा है, रोल रहा और किस तरह का रोल रहा है, मंतव्य क्या उनका, ये सारी चीज़ें भी इन्वेस्टिगेशन का विषय। आरोपियों ने जिस तरह से फायरिंग की थी तो इनकी तरफ से कोई डिमांड की गई थी या सिर्फ पर्ची के माध्यम से लिख करके डिमांड की गई थी? अभी जो बात सामने आई है पर्ची के मार्फत ही की गई थी, पर्ची पढ़ाई गई उसको और जो वहाँ पे था भावेश सेल्समैन कम मैनेजर स्टोर का जोधपुर मिष्ठान भंडार का, उसको पर्ची पढ़ने के पश्चात उसको जो है फायरिंग करके एक दहशत का वातावरण कारित किया गया। फायरिंग अनटारगेटेड थी,
जिसे जाहिर होता है कि वो सिर्फ एक दहशत और आतंक का माहौल पैदा करना चाह रहा था, चाह रहे थे। आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं, लोकल हैं या बाहर से हैं? प्रेस नोट में थोड़ा पता।